जनतन टीवी के विशेष कार्यक्रम नेताजी कही में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश मिश्र और आज मेरे साथ हैं देवेंद्र नागपाल जी। आप देख ही रहे होंगे कि चुनाव की इतनी व्यस्तता है कि इनके पास एक भी मिनट का वक्त नहीं है और इन्होंने किसी तरह एक जनसभा से दूसरी जनसभा के बीच में हमें वक्त दिया है। देवेंद्र जी, जनतन टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी, सबसे बड़ा आप गली गली कूचे कूचे में जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि कौन सा मुद्दा है जो हर तरफ पूरे प्रदेश में छाया हुआ है? देखिए, मुद्दा एक यही है, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने सरकार चलाई है, सुशासन और राम राज्य देने का काम किया है, उससे जनता पूरी तरह से खुश है। और जिस प्रकार से कल का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उससे भी देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर एक जीत की और एक खुशी की लहर आई है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का कि हर जाति या हर धर्म का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और उसी का प्रमाण है कि हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ण के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और वह भारी जीत का जो है मेरा अंदेशा है कि ऐसी भारी जीत होगी कि एक इतिहास रचा जाएगा। जिस घोषणा पत्र की आप बात करते हैं, विपक्ष कह रहा था पिछला घोषणा पत्र तो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया नहीं, किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं, 2 करोड़ रोजगार दिया नहीं, तो अब इस बार जनता क्यों भरोसा करेगी? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो पिछली सरकारें थी उनसे अच्छा कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और 92% घोषणा पत्र जो जारी हुआ था, 92% वो सारे पूरे किए गए हैं। और विपक्ष का काम तो सिर्फ बोलना है, और मैं समझता हूं कि उनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं सिवाय झूठी बात करने के और झूठी अफवाह फैलाने के। भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड जीरो पर काम करके दिखाया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम किया है। मैं यहाँ ये स्पष्ट कह सकता हूँ कि कोई सामने टक्कर में नहीं है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। देवेंद्र जी, ये तो यहाँ की लोकप्रियता है आपकी कि आपकी बिरादरी जात से ऊपर उठ करके लोग यहाँ वोट करते हैं और आपने जीत हासिल भी की है, लेकिन जब चुनाव दो तरफा हो, बाइपोलर हो, तो लगता है कि उतना आसान नहीं होती जीत? मुझे कहीं कोई शंका नहीं है किसी प्रकार की भी। आप किसी जाति, किसी वर्ग में जाके पूछ सकते हैं, देवेंद्र नागपाल जीत रहा है यहाँ से, नहीं जीत रहा है, और पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी को क्यों हो रहा है। और मैं जहाँ तक चुनौती की बात समझता हूँ कि चुनौती खाली एक बात की है दूसरी पार्टियों के लिए कि वो ये देख रहे हैं कि ये बसपा आगे आएगी या सपा आगे आएगी, दूसरे नंबर की लड़ाई है उनकी, पहले नंबर पे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, जब खुद आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि साहब ये लड़ाई 80-20 की है और आप यहाँ 100 में 100 की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो बयान थोड़ा आपके लिए यहाँ मुश्किल पैदा करता है? क्योंकि अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत बड़ी जनसभा मुसलमानों के आपके साथ आके खड़ी होती है, अपना समर्थन देती है। तो देखिए, ये जो प्रत्याशी होता है, जो कैंडिडेट होता है, वो पार्टी इसलिए चुनती हैं कि किसका किसकी कैसी छवि है। मेरी छवि ऐसी है यहाँ पर कि सभी बिरादरी मेरे साथ देती है, तो पार्टी ने मेरा वो किया है, मेरी प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है कि 80 और 20 की बात आपने कही, 80% पूरे भागीदारी हमारी है और 20% में भी हमारी हिस्सेदारी है। वो हिस्सेदारी ऐसी है कि जो सेवाएं भारतीय जनता पार्टी ने 80% वालों को दी है वो 20% वालों को भी दी है, और 20% में भी हिस्सेदारी हमारी बहुत भारी है, और उसमें साथ में प्रत्याशी का भी हिस्सा होता है, प्रत्याशी की अपनी छवि होती है, तो इसलिए ये भारी जन समर्थन मुझे मिला है। नहीं, जिस तरह से SP RLD तमाम छोटे छोटे दल एक मंच पे आए हैं, आपको लगता है कि किसानों का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा होगा? और जिस चुनाव में, जिस क्षेत्र में आप चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पे किसान राजनीति बड़ी अग्रेसिव रही है, आक्रामक रही है, तो ये कहीं इफेक्ट पड़ रहा है इसका? बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं है, किसान बहुत खुश है। और कम से कम 1000 फोन मेरे पास में आ गए, जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, जो बिजली फ्री देने की बात हुई है, जो हमारी बहनों को, स्कूल पढ़ने वाली, कॉलेज पढ़ने वालियों को स्कूटी देने की बात हुई है, गरीब महिलाओं की बच्चियों को 1 लाख रुपए शादी के देने की बात हुई है, और उसके साथ में होली और दीपावली पे एक गैस सिलेंडर देने की बात हुई है, तो तमाम ऐसी मैनिफेस्टो के अंदर बातें हैं जिससे जनता के अंदर एकदम खुशहाली आ गई है और वो सड़क पर उतर आई है। देवेंद्र जी, आपने घोषणा पत्र याद कर रखा, संकल्प पत्र, शायद जिसने बनाया होगा उसको भी इतनी घोषणा याद नहीं होंगी जितना आप एक के बाद एक बताए जा रहे हैं। नहीं, हम लोगों को काम करना है ना इस पे, जो आदमी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है और जनता के बीच में हम उनकी उपलब्धियां, उनका उनके लिए करने वाले काम नहीं बतलाएंगे तो फिर प्रत्याशी का फायदा क्या है? ठीक है, क्या बेरोजगारी चुनाव में कोई इशू है? हाँ, ये इशू है, ये इशू इस टाइप का है कि लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, और बेरोजगारी एक समय में एक साथ नहीं हट सकती, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ आपके साथ में कि जितनी बेरोजगारी
मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो किसी ने नहीं किया। आप देख रहे हैं कि 5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के अंदर दी गई और कोई जाति कोई वर्ग देख के नहीं दी गई। किसी से पैसे जो पहले पैसे के थैले और नोटों के बैग भर के जाया करते थे, हमारी सरकार के अंदर 100% जो भी नौकरी लगी है योग्यता के अनुसार लगी है, फ्री लगी है, ना जाति देखी ना धर्म देखा। और यहाँ ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो घोषणा पत्र के अंदर स्पष्ट कहा गया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने का या नौकरी देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। नागपाल जी, लोग पूछते होंगे कि ऐसा क्या है कि नागपाल जी कभी निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं, कभी RLD से आ जाते हैं, कभी भाजपा से आ जाते हैं, तो क्या ये है मामला, क्या है कि सब चारों तरफ आप फिट करके रखते हैं सब चीज़ें? देखिए, ऐसा है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था इसलिए क्योंकि पार्टी मुझे टिकट देने की सोच ही नहीं सकती थी, क्योंकि उस टाइम 2002 में लोग जातिगत आधार पर बहुत ज़्यादा आंकड़े लगाते थे कि किसकी कितनी जाति है, वो तभी उसको जो चुनाव लड़ेगा। मेरी पूरी लोकसभा विधानसभा के अंदर 500 पंजाबी नहीं है और मैं वहाँ से 39,000 वोटों से चुनाव जीता। उसके बाद में मैं MP का चुनाव लड़ा, मेरे भाई हरीश नागपाल जी वो पूरे चुनाव जीते निर्दलीय। MP का चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा था लेकिन सीट मेरी चली गई थी लोकदल के गठबंधन पे। उस टाइम भाजपा और लोकदल का गठबंधन था तो सीट उधर चली गई और मेरे से अच्छा प्रत्याशी कोई मिला नहीं। तो हमारे स्वर्गीय आदरणीय जेटली साहब ने चौधरी साहब से बात की, अजीत सिंह जी से, और उन्होंने मुझे अपना प्रत्याशी के रूप में उतारा। मैं भाजपा का था और भाजपा का ही मैं हूँ आज भी। ठीक है, तो ये आपको दल बदल जाता कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, दल बदलने से कुछ नहीं होता, सोच बदलने से फर्क पड़ता। सोच मेरी जो है वो काम करने की है, सम्मान करने की है, विकास करने की है, और जो व्यक्ति ये तीनों सोच लेके चलेगा वो हमेशा जीतेगा। देवेंद्र जी, ये कभी आपने सोचा कि जिस तरह आप लोग कहा जाता है कि आप एक लग्जरी लाइफ जीते हैं, लग्जरी लाइफ रह सकते हैं, लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं गांव गांव गली गली ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं कि आपकी गाड़ी इतने लग्जरी गाड़ी होते हुए भी आपको झटके लग रहे हैं, तो ये टफ टास्क है? आपको कई बार लगता है कि बिना मतलब इस पॉलिटिक्स में फंस गए? ना, पॉलिटिक्स में जो आदमी कारोबार सोच के आएगा वो व्यक्ति ये बात सोच सकता है। ये मेरा धंधा नहीं है राजनीति, मैं तो कारोबारी आदमी हूँ, अपनी इंडस्ट्री चलाता हूँ, अपने कारोबार चलाता हूँ, उससे पैसा कमाना ईश्वर की कृपा से मेरे पास सबको दिया हुआ है। मेरा ये शौक है सेवा करने का, और सेवा अपने धन से आदमी इतनी नहीं कर सकता जितनी राजनीति में आके कर सकता है, और राजनीति में सच्ची सेवा होती है। अगर आदमी इंसानियत और तहजीब और पूरी ईमानदारी के साथ में अगर लगेगा तो अच्छी सेवा जो है अपने माध्यम से अकेला कम और पार्टी के साथ ज़्यादा कर सकता है। ये मेरी सोच है, और जहाँ लग्जरियस लाइफ की बात है, ये ईश्वर ने अगर मुझे कुछ चीज़ दी है तो उसका मैं उपयोग करता हूँ, लेकिन दुरुपयोग कहीं नहीं करता हूँ। आप ये देखिए, मेरे जूतों पे भी कीचड़ लगा हुआ है, मैं पैदल भी कीचड़ में घूमने वाला आदमी हूँ, जनता के बीच में रहने वाला हूँ। मत दिखाई, बहुत बहुत चमकीला बड़ा महंगा जूता लग रहा है, बहुत महंगा। नहीं नहीं, आप देखिए इसमें ये लगी हुई धूल देखिए आप जरा, ये मिट्टी देखिए, ये गारा देखिए, ये कि हम जमीन पे रह के काम करते हैं, लग्जरियस गाड़ी में घूम कर गई जनता के ऊपर वो नहीं करते कि साहब हम बड़े आदमी हैं कुछ है। हम तो सबसे छोटे आदमी हैं और सबसे गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी इसलिए हैं कि जो व्यक्ति सबका सम्मान करता हो, सबके आगे हाथ जोड़ता हो, पैर पकड़ता हो, वही सबसे ज़्यादा गरीब है, और जनता इसी को पसंद करती है। लग्जरी गाड़ी से अगर चुनाव जीता जा सकता हो तो जितने भी टाटा बिरला हैं, रिलायंस है, सब MP, MLA, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर होते ही है। नागपाल जी, एक बड़ी बात है कि जैसे जिस तरह आपने भी संकल्प पत्र पूरा याद कर लिया, उसी तरह हम देखते हैं जब आप लोगों से मिलते हैं तो मैन टू मैन नाम याद करते हैं, इतना नाम याद कैसे कर पाते हैं आप? देखिए, ये जनता के बीच में रहने की है। अगर जनता के व्यक्ति के पास आप रहेंगे, उससे रोजाना मुलाकात करेंगे, तो मैं समझता हूँ आपको भी सब याद हो जाएगा। लेकिन लोग करते क्या कि चुनाव लेते वक्त तो उनके नाम पूछ लेते हैं, बोल देते हैं, लेकिन बीच में रहने वाला व्यक्ति हमेशा जो है उनका वो ध्यान रखता है और उनका फीड कर लेता है अपनी मेमोरी के अंदर कि ये व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ था, इन्हें हमारा सम्मान किया, हमारा साथ दिया, तो उस व्यक्ति को भी हम जो है अपना पूरा आगे भी सम्मान देते रहे, उसका नाम लेके बुलाएं तो उसको खुशी होती है, एहसास होता है कि हमने वोट दिया, वो सफल हुआ, हमें जानता है व्यक्ति और काम करेगा ये। देवेंद्र जी, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने एक परिवार बना रखा, भी हम देख रहे थे आप लोगों से बात कर रहे थे, वो तुम्हारे मम्मी का क्या हुआ, अस्पताल से आए कि नहीं आए, पापा क्या हुआ, तेरा टिकट कंफर्म हो गया था कि नहीं हो गया था, तो इतनी छोटी छोटी बातों को याद रखना, क्या अब पॉलिटिक्स का टेम्परामेंट बदल रहा है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी के पिता खराब की तबीयत खराब है या किसी का स्वर्गवास हो गया या किसी की खुशी हुई है और उसके विषय में हमें पता है, अगर खुशी हुई है तो उसको जो है अपना ये मतलब शुभकामनाएं देना हमारा काम है,
और कहीं हम पहुंच नहीं पाए, किसी की डेथ हो गई या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसका कम से कम हालचाल पूछ ले तो उसको लगता है कि हमारा नेता हमारे बारे में सोचता है, उसको अपनापन महसूस होता है और ये काम हम करते हैं और ईमानदारी से करते हैं। कहीं जरूरत भी पड़ती है तो चुनाव है, हम किसी की कोई सेवा नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन हम अपने कारोबार से भी उनकी सेवा करने का काम करते हैं। देवेंद्र जी, ये क्या एक मिथक है कि उद्योगपति कई बार चुनाव में आते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले चुनाव में आते हैं, चुनाव लड़ के चले जाते हैं और उसके बाद जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, इससे जनता नाराज होती है? देखिए, मेरा राजनीतिक सफर सन 2000 से शुरू हुआ जिला पंचायत सदस्य के रूप में, और उसके बाद में फिर मैं विधायक बना, फिर सांसद भाई बने, फिर मैं सांसद बना। मेरी धर्मपत्नी अभी नगर पालिका की अध्यक्ष है और चार चार अवार्ड, पहले उत्तर प्रदेश में प्रथम आई, फिर दूसरे साल फिर प्रथम आई, योगी जी ने सम्मानित किया, तीसरे साल माननीय प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया नॉर्थ इंडिया फंसाने पे, और अभी ढाई महीने पहले चार साल पूरे होने पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गई है। तो हम तो जनता के बीच में रहते, काम करते, तभी ये सम्मान मिला हमें। देवेंद्र जी, वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आएंगे तब पूछेंगे कि क्या है। आप देख सकते हैं कि देवी नागपाल जी गांव की तरफ पहुंचे हैं और ये इनका एक कारवां इस तरह चलता है, सुबह से निकलते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं। ये हालांकि ये बड़ी बड़ी रैलियां करने के आदि हैं, लेकिन इस तरह से आप देखेंगे तो जिस तरह से यहाँ पर जब ये पहुँचते हैं तो तमाम लोग इनको करते हैं, तो इस तरह आपने देखा देवेंद्र नागपाल हमारे साथ गाड़ी में थे और जब ये गांव की तरफ उतरते तो इस तरह इनका गांव में स्वागत होता है। ये पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, बड़ी जनसभा करने की अनुमति नहीं है तो इसलिए यहां पे छोटे छोटे गांव के पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए हैं, इसमें हर वर्ग के लोग हैं। देवेंद्र जी, हम देख रहे थे वो छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे, तो वो किस खुशी में डांस कर रहे थे, उनको क्या खुशी हो सकती है? देखिए, जो बच्चे डांस कर रहे हैं ये सबूत इस बात का है कि उनके माता पिता, उनके बुजुर्ग का आशीर्वाद देवेंद्र नागपाल की तरफ है, तभी बच्चे डांस कर रहे हैं, वरना बच्चे उसका नारा लगाते हैं जिसके माँ बाप गुनगाते हैं। नहीं तो ये हो सकता है, ये हो सकता है कि ये बच्चे सबके लिए डांस करते हो? ना ना ना, ऐसा नहीं है। ये गांव मेरे घर के करीब का है, कुछ ही किलोमीटर से गजरोला पड़ता है और इन सब लोगों से मेरे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, इन सब लोगों का मेरे आना जाना रहा है और ये अपने आप को ही नागपाल समझते हैं और मैं इनको अपना भाई समझता हूँ। और यहाँ ये समस्त जाति नहीं है, यहाँ पर यहाँ खाली मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं और कुछ वाल्मीकि है शायद, तो टोटल मुस्लिम का गांव है ये, इसमें एक वोट किसी और बिरादरी का नहीं है। तो ये लोग इन्हें कहते भारतीय जनता पार्टी के साथ आपसे कोई परहेज है? हमें अब पूछो भाई इनसे, बताओ भारतीय जनता पार्टी किसे परहेज है? कोई हमारे गांव का आदमी व्यक्ति गया काम के व्यक्ति तो उसे काम मिला, हर उसका मान सम्मान मिला, बिल्कुल कोई मान सम्मान था, पूरे गांव का आदमी लौट के नहीं आया था। भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र नागपाल, ये तो बड़ी उपलब्धि है आपके पास। अब आपको अगर मैं पूछूं कि पूरे प्रदेश में आप चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस नैरेटिव पे चुनाव लड़ रही है, सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने भी क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज वो यह है कि जिस प्रकार से पूरी विधानसभा में हर जाति हर वर्ग का जो सम्मान मिल रहा है, और मैं परेशान इस बात को लेकर हूँ कि इतना भारी विकास करना पड़ेगा इनका दिल जीतने के लिए, और मेरे रात दिन इनके बीच में इनकी समस्या देख के और इनके काम निपटाने हैं, मेरे मन में एक अब एक जीतने के बाद में एक रूट मैप बनाया जाएगा और हर जाति हर वर्ग में जाने के बाद में देखा जाएगा कहाँ किसकी क्या समस्या है विकास से जुड़ी हुई, उस विकास को देखना है, उसको एक पूरा पिक्चर बनानी है और विकास को कराना, और इनका दिल जीता जो आज दिल मेरा से मिला हुआ है वो मिलाए रखने के लिए वो तभी रहेगा जब इनका काम करके दूंगा। देवेंद्र जी, आपने अभी तो वोट भी नहीं पड़े, अभी तो काउंटिंग भी नहीं हुई, आप तो चार कदम आगे चल रहे हैं कि हमें कैसे विकास कराना है, इसका रोड मैप बना रहे हैं? देखिए, मैं रोड मैप इसलिए बना रहा हूँ कि मैं जिस मर्जी गांव में जा रहा हूँ, हर जाति हर वर्ग मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ना हिंदू और ना मुसलमान की बात है, तो ये आपको सामने दिखा रहा है, हम तो गाड़ी से उतर के तुम्हारे सामने आए, ये पूरा मुस्लिमों का गांव है, बच्चे डांस कर रहे हैं, बैंड बाजे मतलब ढोल वाले साथ में चल रहे हैं और सारी माताएं बहने ऊपर कैमरा घुमा के देखिए आप जरा, माताएं बहने तक साथ में वहां पर खड़ी हुई हैं, बच्चे यहाँ मौजूद हैं, सारे मुस्लिम वर्ग के बुजुर्ग लोग नौजवान साथी मेरे साथ खड़े हैं, ये मेरे व्यवहार की बात है और ये मेरे व्यवहार से खुश है, और जब ये खुश है और मुझे वोट दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट दे रहे हैं, वरना दूसरी पार्टी वाले को यहाँ घुसने भी ना देंगे। अच्छा देवेंद्र जी, खुश ठीक है, देवेंद्र जी, कहा जाता है
देवेंद्र जी इस मामले में बड़े बहुत बुद्धिमान है, बहुत चतुर है कि जो जनता चाहती वो बोलते हैं और जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। हर आदमी को कुछ न कुछ दे के जाते हैं, कुछ रखे रहते हैं, कोई चीज उसको कोई कोई झुंझुना थमा देते हैं और हर आदमी खुश होकर जाता है। आज एक चीज में दिखा दूं आपको, मेरी जेब में ये 2-4 हजार रुपए पड़े हैं, ये ठीक है जी। और इसके अलावा ये कागज पड़े हैं, ये जो जनता अपनी अपनी मांग के वो देते हैं। ये 4 हजार क्यों रखे हैं आप? 2-4 हजार पर जेब में तेल वेल डलवाना पड़ जाए भाई, के खाना पड़ जाए, अब ये भी ना रखूं तो क्या रखूं। अच्छा। प्रत्याशी को तो 50 हजार रखने की अनुमति है। हाँ। मैं तो 2 हजार रुपए लेके ले रहा हूँ। ओमनी जेब की तलाशी ले लो, एक चश्मा है वो पढ़ने के लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए देखिए देवेंद्र जी, इस बात को आप कहेंगे तो लोग नहीं मानेंगे कि आपके पास पैसा नहीं है। वो तो जानते हैं कि देवेंद्र नागपाल जहाँ चाह देंगे ट्रकों में पैसा आ जाएगा, समझ रहे हैं। वो तो ये है, वो तो दिखाने के लिए 4 हजार रखे, वो भी ज्यादा है। कहीं आप 100-200 रखे होते तब भी चल जाता है। खैर ये बताइए कि आप कैसे अंदाज लेते हैं कि जो उत्साह है जनता वोट बैंक वोट में तब्दील होगा कि नहीं, क्या बैरोमीटर आपके पास है? देखिए मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, ये पूरे गाँव वासी खड़े हुए यहाँ पे, यहाँ पर जो जिस रास्ते से हम लोग घुसे हैं, जिस रास्ते से हम घुसे हैं वही रास्ता सबसे ज्यादा खराब था। आज तो कीचड़ पड़ गई यहाँ पे, वरना सबसे पहले ये खड़ंजा बनाने का काम मैंने किया था विधायक रहते हुए। अब आप ये देख सकते हो इस बारे में, 2002 में मैंने बनाया और 2002 से लेकर 2022 आ गई, ये सारे लोग उसी उत्साह के साथ खड़े हैं। ये कुछ खड़ंजे से खुश नहीं है, ये मेरे व्यवहार से खुश है। देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में आज बहुत तादाद में मुस्लिम जुड़ रहे हैं, लेकिन जिस तादाद में देवेंद्र नागपाल के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं उतनी और जगह पर नहीं है ये मामला। ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो योजनाएं मिल रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, हिंदू हो या मुसलमान, को सबको सेवा करने का काम हो रहा है। आवास देने का काम, शौचालय देने का काम, राशन देने का काम, ई श्रमिक कार्ड देने का काम, और कल से बिजली माफ कर दी पूरी बिजली जो भी है वो सिंचाई की बिजली, अब उसका बिल नहीं आएगा बिल्कुल ही 5 साल तक। और इसके बाद में जो उन्होंने बच्चियां जो पढ़ने जाती हैं उनकी स्कूटी फ्री। उसके बाद में आप ये देख लो कि हर परिवार से एक बच्चा नौकरी पे लगेगा या उसे रोजगार दिया जाएगा, ये आज घोषणा पत्र में कल हमारे उन्होंने पार्टी ने घोषित कर दी है। तो उसके अंदर कहीं ये लिखा कि मुसलमान को नहीं मिलेगा? और अब तक जो चीजें मिली हैं वो सब चीजें आपको मिली है, जो हिंदू को मिली है नहीं मिली है? तो एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक मुलायम रवैया भारतीय जनता पार्टी के लिए इनके लिए इसलिए आया है कि जो हिंदू को मिल रहा है वो इनको भी मिल रहा है। ऊपर से प्रत्याशी, मैंने कहा कि इस सीट पे कुछ ज्यादा असर है मुसलमानों का मेरे साथ में, इसलिए कि वो लोग मेरे जानते हैं रवैये को, मेरे व्यवहार को जानते हैं और व्यक्तिगत छवि को कारण ये ज्यादा तादाद में है, बिल सब जगह रहा है। ठीक देवेंद्र जी ऐसा नहीं, ये तो हम जानते हैं ना, आप कोई मंच पा जाते हैं तो भाषण की तरह उपयोग करते हैं, लोगों को मोटिवेट कर देते हैं। ये आपको लगता है कि सरकार बना लेंगे आप और कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ आएंगे, जो विपक्ष का इक्वेशन है वो काम नहीं करेगा यहाँ? देखिए विपक्ष का इक्वेशन अगर काम करता तो यहाँ हमारे जो है शादाब टाटा इस बिरादरी से है जिस बिरादरी का गांव खड़ा हुआ है, गलत कह रहा हूँ? शादाब टाटा खान है, पठान है और उसी बिरादरी का गांव है ये, और यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे वो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी, और वो ये भी कहते हैं कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ, लेकिन ये भी जानते हैं कि देवेंद्र नागपाल भी झूठा इंसान नहीं है। तो उसको छोड़ के अगर मेरे साथ खड़े हैं तो इसलिए खड़े हैं मेरे व्यवहार को देख के, और ये इंसानियत जानते हैं, और ये लोग ये भी जानते हैं कि जिसका मुकम्मल होता है ईमान वो होता है मुसलमान। ये लोग, मैं इसी बात जानता हूँ कि इस चीज़ पे भरोसा रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी इंसानियत के साथ में इनके साथ खड़ी हुई है, पूरा अच्छा इनका करिए। परेशान कौन है? बड़े चालाकी से आप साहब बहुत अच्छे अच्छे उर्दू लफ्जों का प्रयोग कर रहे हैं, ये कैसा परिवर्तन आ रहा है? परिवर्तन नहीं आ रहा है, ये शुरू से इनके बीच में रहा हूँ, इन सबसे मैं एक दूसरे से वास्ता रहा है, तो एक दूसरे की भाषा भी सीख जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन मैं मदारी नहीं हूँ, मैं वैसा मदारी नहीं हूँ, मैं इनकी सेवा करता हूँ, इनका सम्मान करता हूँ, उसके आधार पर होता है ये मामला। तो आज यही कारण है कि सारे लोग, बस जमीन से जुड़ी वाली बात है और कुछ नहीं है। देवेंद्र नागपाल, देवेंद्र नागपाल।
तो ये थे देवेंद्र नागपाल जी, जिन्होंने बहुत सफाई से अपनी बात कही, प्रमाण दिखाया और वो दिखाया कि वो वोट बैंक जिसके बारे में पूरे प्रदेश में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, वो किस तरह से इनके साथ खड़ा है। लेकिन इन्होंने अपने जेब से 4000 रुपये भी दिखाए, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इनके पास रुपयों का अंबार है अगर ये चाहेंगे तो। कैमरामैन सेरा के साथ अखिलेश मिश्र, गजरौला, जनता टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।